दिल्ली मुंबई रूट के रेल यात्री सावधान। फिर पटरियों पर बैठने वाले हैं गुर्जर। सड़कों पर थम जाएगी गाड़ियों की रफ्तार। हाईवे पर गुर्जर समुदाय करेगा आंदोलन। गुर्जर आरक्षण की आग एक बार फिर सुलगने वाली है। एक बार फिर से गुर्जर समुदाय के लोग 5% रिजर्वेशन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजस्थान में गुर्जर समुदाय ने आंदोलन की हुंकार भर दी है। आरक्षण की आग में एक बार फिर गुर्जरों ने सरकार के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया है और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक किरोड़ी सिंह बैसला ने गुर्जरों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 7 फरवरी तक गुर्जरों के लिए 5% आरक्षण का ऐलान नहीं किया गया तो गुर्जर समुदाय एक बार फिर से पूरे राजस्थान की रफ्तार पर ब्रेक लगा देगा। 8 फरवरी तक हमको हमारा आरक्षण नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे। अगर हमको हमारा हक नहीं मिला तो हम सबक सिखाएंगे। जो हमारी देखभाल करेगा हम उसकी देखभाल करेंगे। आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए गुर्जरों ने अजमेर में महापंचायत बुलाई थी जिसमें दोबारा आंदोलन का ऐलान किया गया। अजमेर के अलावा बूंदी के नैनवा में हुई महापंचायत में भी गुर्जरों ने तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि 8 फरवरी को सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर स्टेशन से गुर्जर आरक्षण आंदोलन का बिगुल फूंक दिया जाएगा। 5% आरक्षण के लिए फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहे गुर्जरों ने इस बार 50% के बाहर आरक्षण की मांग की है। गुर्जरों का तर्क है कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के बाद राजस्थान में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़कर 60% हो जाएगा। ऐसे में गुर्जर इस नए दायरे में आरक्षण देने की मांग पर अड़े हुए हैं। गुर्जरों की मांग है कि सरकार अगर सवर्णों को 10% आरक्षण दे सकती है तो गुर्जरों को 5% आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता। मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी, 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर आपने स्वर्ण को दिया है, वैसे ही 5% आरक्षण आप गुर्जरों को भी देने की कार्रवाई तत्काल कर दी। ये मेरी मांग। ये पहली बार नहीं है जब गुर्जर समाज आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरने जा रहा है। इससे पहले भी गुर्जर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार तो हिंसक झड़पों की भी नौबत आ गई। लेकिन इस बार गुर्जरों के आंदोलन के ऐलान ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, क्योंकि 7 फरवरी से गहलोत सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए कैंप लगाने जा रही है, क्योंकि सरकार को डर है कि किसानों को साधने में गुर्जर हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब गिनती के ही दिन बाकी रह गए हैं और इस बार गुर्जर किसी भी हाल में पीछे हटते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।